जेजेपी हरियाणा चुनाव को देखते हुए पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुट चुकी है, जिसके तहत दुष्यंत चौटाला यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में किसानों का शोषण हो रहा है, अपराधियों का बोलबाला है। अगर हमारी सरकार बनी तो एक महीने के अंदर राज्य से अपराधियों को बाहर कर देंगे। राज्य में चुनाव होने में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसे देखते हुए सभी पार्टियां चुनावी बोर्ड में आ चुकी हैं। जनता को लुभाने के लिए पार्टियां हर संभव प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि जनता किस पार्टी को हरियाणा की सत्ता सौंपती है। R9 TV के लिए यमुनानगर से रणसिंह चौहान की रिपोर्ट।